मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज डेवार ब्रेविस को बेबी एबी कहा जाता है और इसके पीछे कारण भी है, कारण एबी डिविलियर्स के साथ उनके खेल की समानता। इसी साल हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए कमाल करने वाले इस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने फरवरी में हुई नीलामी में अपनी टीम में शामिल किया था। बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ दिखाया गया कि आखिर उन पर दाव लगाना गलती नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 25 गेंद पर 49 रन ठोककर मुंबई की पारी को वह रफ्तार दी जिसकी उसे जरूरत थी। ये मुंबई की पारी का 9वां ओवर था। लेग स्पिनर राहुल चाहर, जो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, के हाथों में गेंद थी। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लिया और इसके बाद इस ओवर में ब्रेविस का जादू दिखा। एक बार नहीं बल्कि 4 बार, या आप चाहें तो 5 बार कह लीजिए। ओवर की दूसरी गेंद, चाहर की गेंद शॉर्ट थी। ब्रेविस ने डीप मिड विकेट पर खेलने की चिंता नहीं की, उन्होंने गेंदबाजी की दिशा में ही ताकत पर शॉट मारा। गेंद बहुत तेजी से साइड स्क्रीन पर जाकर लगी। अगली गेंद 6, इस बार पहले से बेहतर नतीजा। इस बार भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट, बैट का क्लीन स्विंग। इस शॉट में एबी डिविलियर्स की झलक नजर आई। 8वें ओवर की चौथी गेंद, एक और 6, ये गेंद और भी दूर गई। चार लेंथ में चूक गए, इस बार वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार गेंद गई। 8वें ओवर की 5वीं गेंद, लगातार 3rd 6, 6 की हैट्रिक लग गई। चाहर ने इस बार रफ्तार और लेंथ बदली, छोटी गेंद और तेज रफ्तार, ब्रेविस ने इसे पुल कर दिया। गेंद जब बल्ले से टकराई तो आवाज ने ही बता दिया कि आखिर ये कहां जा रही है। 8वें ओवर की 6ठी गेंद, चाहर ने इसे ऑफ स्टंप के बाहर फेंका, लेकिन लेंथ फिर से गड़बड़ थी और ब्रेविस ने इस पर भी कमाल का शॉट खेला। इस ओवर में कुल 29 रन बने। इसी ओवर में मुंबई को वो किक दी जिसकी उसे जरूरत थी। इस ओवर से पहले मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 63 रन था और इसके बाद स्कोर 92 रन हो गया था। मुंबई की रन रेट 7.87 से बढ़कर 10.22 हो गई थी।